हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज कुमार। आज का मेरा टॉपिक है इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपेट के एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा और आपको बताना चाहूंगा स्कूल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट कराते हैं, वो भी मैं साथ में बताते चलूँगा। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। एमपेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कंस्ट्रक्टेड इन, कब बना 1943, किस यूनिवर्सिटी बना, इंडियाना यूनिवर्सिटी, कंस्ट्रक्टेड बाय किसके द्वारा बना, बुक वाल्टर के द्वारा, कंस्ट्रक्टेड फॉर किसके लिए बना, मेड फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेज एज मैन, हाई स्कूल के छात्रों के लिए और कॉलेज के छात्रों के लिए बना था। पर्पज क्या है इसका, टू मेजर मोटर फिटनेस अमोंग द मेल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स एंड प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, कब बना, किस यूनिवर्सिटी बना, किसके द्वारा बना, कहां पर बना, पर्पस क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स मैंने इसलिए मैं यहां पर मेंशन कर रहे हैं कि मेरे को बताना है साथ में कि आप एक स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर कैसे कंडक्ट कराएंगे इस टेस्ट को, इसलिए मैं इक्विपमेंट्स भी आपको, जेंटल बार, जंपिंग बोर्ड, मेजरिंग टैप, लैम्प पाउडर, स्टॉप वॉच, स्कोर शीट्स, स्कोर टेबल, पेन ETC, इन सारे इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है एक टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एमपेट के एंट्रेंस एग्जाम में। हमने इसको पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं फोर कॉलेज मैन व्यक्तियों के लिए। इसमें 5 इवेंट्स हैं, या हम इसको बैटरी भी बोल सकते हैं। 4 हाई स्कूल बॉयज़ की अगर बात करें, इसमें 4 इवेंट्स हैं, इसको हम 4 बैटरी भी बोल सकते हैं। 4 कॉलेज मैन की अगर बात करें तो 5 बैटरी या इवेंट बोल लो, इसमें 4 बोल लो, या इवेंट्स बोल लो या बैटरी बोल लो। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप सोच समझ के उसका टिक लगाएंगे। इन सब पे बात करेंगे, पुलअप्स क्या है, शटल चिनअप्स क्या है, फ्लोर पुशअप्स क्या है, वर्टिकल जंप क्या है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या है, शटल चिनअप क्या है, फ्लोर पुशअप्स क्या है, वर्टिकल जंप क्या है, स्क्वाट थ्रस्ट क्या है। मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से कराते हैं। बात करते हैं पुलअप्स। पुलअप्स सारे लोग जानते हैं, एक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार। इसका जो करने का तरीका क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार होता है, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, शोल्डर लेवल में हम अपने हाथ को खोलते हैं और उसको फॉरवर्ड ग्रिप में पकड़ते हैं, अपनी बॉडी को पुल करते हैं, अपनी बॉडी को पूरी को उठाते हैं और उस हॉरिजॉन्टल बार से अपनी चिन को ऊपर निकालते हैं या उस पर टच करने का प्रयास करते हैं। द बार शुड बी हाई इनफ सो दैट द पीपल कैन हैंग विद हिज आर्म एंड लेग फुली एक्सटेंड एंड हिज शुड बी फिट फ्री ऑफ द फ्लोर, ही मस्ट यूज द ओवरहेड ग्रिप। मैंने बताया आपको कि एक हॉरिजॉन्टल बार होता है, उसके सामने आप खड़े हो जाते हैं, पार्टनर की सपोर्ट भी ले सकते हैं, विदाउट पार्टनर की सपोर्ट ले सकते हैं, उसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद अपनी बॉडी को उठाएंगे और उसको टच, चिन को टच करेंगे या उससे हाई बार से ऊपर निकालने का प्रयास करेंगे। मैंने पिक्चर भी मेंशन करी है, आप उससे देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये आप देख सकते हैं, ये कर रहा है, इसने फॉरवर्ड ग्रिप में पकड़ रखा है और अपनी चिन को ऊपर निकाल रहा है हॉरिजॉन्टल बार से, ये आप देख सकते हैं। इसका बैक पोर्शन देख सकते हैं किस तरीके से पकड़ रखा है, शोल्डर लेवल में पकड़ रखा है। इससे जो मेजर क्या करते हैं, आपके आर्म्स की पावर, आपके बॉडी में कितनी ताकत है, आपके शोल्डर में कितनी ताकत है, इससे वो मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे स्टडल चिनअप्स। स्टडल चिन्स भी बोल सकते हैं, स्टडल चिनअप भी बोल सकते हैं। दिस टेस्ट आइटम इज परफॉर्म पेयर्ड अकॉर्डिंग टू इक्वल हाइट, द सब्जेक्ट टू बी टेस्टेड इज आस्क्ड अ लाइट टू बैक टू क्लैस्प हैंड ऑफ द पार्टनर हु इज इन आउटसाइड एंड पोजिशन विद बॉडी एट द एग्जामिनी। चिन अप से बोल सकते हैं, चिन से बोल सकते हैं, इज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल रेजिंग द बॉडी ईच टाइम विद बैक स्ट्रेट एंड इन लाइन विद लेग्स until it meets firm resistance from inside partner thigh। मैं आपको बताना चाहूँगा इसको करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है स्टडल चिनअप्स का। अब
पिक्चर में देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया कि दो व्यक्ति होंगे और दोनों की लगभग सेम हाइट होनी चाहिए तो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। वैसे तो छोटा बड़ा चल जाएगा, सेम अगर हाइट रहेगी तो उसको करने में आसानी होगी। फिंगर लॉक करते हैं क्रॉस पोजीशन में और उसको पकड़ते हैं और पार्टनर उसको होल्ड करता है अपने चेस्ट लेवल पर और वो अपनी बॉडी को उठाने का प्रयास करता है। जैसे हम पुशअप्स करते हैं, इसी को हम बैक मतलब फ्रंट पुशअप भी बोल सकते हैं, ये लेट लेट कर। इससे क्या मेजर करते हैं कि आपके शोल्डर में कितनी स्ट्रेंथ है, आपके चेस्ट में कितनी पावर है। ये पार्टनर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कर रहा है ये पार्टनर की सपोर्ट से कर रहा है, और एक होता है विदाउट पार्टनर, आप देख सकते हैं जिम में सारे लोग करते हैं इस एक्सरसाइज को। ये जो है ये विदाउट पार्टनर है, ये पार्टनर की सपोर्ट से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पुशअप्स सारे लोग जानते हैं पुशअप्स क्या है, करने का तरीका क्या होता है। दीज आर एग्जीक्यूट फ्रॉम द फ्लोर, द चेस्ट मस्ट टच द फ्लोर ईच टाइम एंड द आर्म मस्ट बी फुली एक्सटेंड ऑन द बैक मस्ट बी कैप्ट स्ट्रेट नंबर नो पार्शियल क्रेडिट इज अलाउड एंड एक्सरसाइज मस्ट बी डन कंटिन्यूसली। मैं आपको बताऊंगा एक पुशअप्स करने के लिए किस तरीके से हम अपनी बॉडी को रखते हैं पुशअप्स के दौरान। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हैं ये पुशअप्स कर रहा है, कितना हाथ ब्रॉड होना चाहिए। पुशअप्स के कईयों वेरिएशन है, आप अपने आप वेरिएशन कर सकते हैं, 100 V, 2 V, 4 V, 5 V। तो सिंपल पुशअप्स एक जो नॉर्मल खिलाड़ी जो करते हैं, ये यहाँ पर वो उस पुशअप्स की बात कर रही है। डायमंड पुशअप्स होती है, क्रॉस भी होती है, थंब भी होती है, फिंगर भी होती है, क्लोज भी होती है, ब्रॉड भी होती है। यहाँ पर सिंपल पुशअप्स आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से कर रहा है पुशअप्स। ये पुशअप जो कर रहा है आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पुशअप्स। बात करते हैं इसका पर्पज़ क्या है, आपके शोल्डर में कितनी पावर है, आपके चेस्ट में कितनी पावर है, वह है मेजर करने का काम करता है। बात करते हैं वर्टिकल जंप। वर्टिकल का मतलब होता है एक स्तंभ अनुसार, जिसको बोल सकते हैं एक सीधी ऊपर की ओर जंप होती है, इससे हम एक्सप्लोसिव पावर को मेजर करते हैं। इक्विपमेंट्स की अगर बात करते हैं, 1x4 इंच प्लाईवुड बोर्ड, 5 फीट लॉन्ग एंड 1 फुट वाइड लाइम पाउडर मेजरिंग टेप। किस तरीके से करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। द बोर्ड इज एट लीस्ट 6 इंच आउट फ्रॉम द वॉल सो दैट द सब्जेक्ट विल नॉट स्क्रैप हिमसेल्फ द जंप पर टोज अलाइन 1 फुट इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड द इंडेक्स फिंगर ऑफ बोथ हैंड आर चार्क्ड विद मैग्नीज 3 जंपर एग्जीक्यूट। आप एक दीवार के साइड में खड़े हो जाएंगे या फॉरवर्ड फेस करके खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ को दीवार से लगाएंगे और चौक से मार्क कर देंगे कि मेरी कितनी डिस्टेंस कवर कर, तो आप स्टेबल पोजीशन में खड़े होकर कर सकते हैं या 2 से 5 मीटर की दूरी लेंगे और दौड़ के आएंगे और जंप करके भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी थाई में कितना पावर है, आपके पैर में कितनी एक्सप्लोसिव पावर है। मसल्स इन्वॉल्व की बात करते हैं, आपकी जो ये मैंने आपको ये पिक्चर मेंशन, आप देख सकते हैं ग्लोटियस, सर्टोसियर, अडक्टर, मैग्नस, हैमस्ट्रिंग, ये सारी मसल्स इसमें इन्वॉल्व रहती हैं इस एक्सरसाइज करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से करते हैं, ये रनिंग मूवमेंट में कर रहा है, 2 से 5 मीटर की दूरी ले रखी है इसने और आ रहा है और जंप करके दीवार को टच कर रहा है कि मेरा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, मैं कितनी दूरी को कवर कर रहा हूँ जंप करने के दौरान। तो इससे पता चलता है कि मेरे लेग में कितनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। बात करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट पड़ते हैं ज़रूरत। मैट है, फ्लोर है, आउटडोर जंपिंग पिट है, टैप मेजरिंग है। करने का क्या तरीका रहता है, फिट शुड बी सेवरल इंचेस अपार्ट एंड दीज टोज जस्ट बिसाइड द टेक ऑफ लाइन द पीपल स्विंग द आर्म बैकवर्ड एंड बेंड द नी। बात करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताया, मैट, फ्लोर, आउटडोर जंपिंग पिट। इसका प्रोसेस क्या करने का, फीट शुड बी सेवरल इंचेस अपार्ट एंड द टोज जस्ट बिसाइड द टेक ऑफ लाइन
द पीपल स्विंग द आर्म बैकवर्ड एंड बेंड द नी। एक स्क्वाट पोजिशन में आप खड़े होते हैं और अपने हाथ को पीछे लेके जाते हैं, जस्ट फ्यू सेकंड में फिर आप अपने हाथ को आगे लेके जाते हैं, और अपने हाथों को जब आगे लाते हैं तो पैर को भी आप जर करते हैं और आगे आने का प्रयास करते हैं। मैंने पिक्चर को मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से करते हैं। उसने हाथ को पीछे किया, फिर स्टेज देखते हैं इस तरीके से बॉडी जंप करते हैं। इससे हम जो मेजर करते हैं वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं स्क्वाट थ्रस्ट। स्क्वाट थ्रस्ट कैसे करते हैं, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, स्टॉप वॉच, विसिल किस तरीके से करते हैं। पीपल शुड स्टैंड ऑन स्टेबल फ्लोर विद अ कंफर्टेबल पोजिशन स्टार्ट व्हेन विसिल इज गिवन एंड स्टॉप आफ्टर द नेक्स्ट विसिल। स्कोर की अगर बात करते हैं, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम डन विद इन 20 सेकेंड। इसमें क्या होता है, स्क्वाट जंप एक टेक्निक होती है और पुशअप्स की एक टेक्निक होती है, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं स्क्वाट थ्रस्ट। आप पिक्चर में दिखेंगे, खड़ा होता है, पुशअप्स पोजीशन में जाता है, उसके बाद फिर खड़ा होता है, फिर उसके बाद फिर जंप करता है, पुशअप्स पोजीशन में जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर जंप करता है। आप देख सकते हैं इस तरीके, इसको बोलते हैं स्क्वाट थ्रस्ट। आप इससे करते हैं वो आपके शोल्डर में पावर और आपके लेग में कितनी पावर है, इससे आप मेजर करते हैं। थैंक यू।